वेलकम टू चैनल स्टूडेंट्स तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टीरियो आइजोमरिज्म के बारे में तो स्टीरियो आइजोमरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है कि दीज कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला सेम केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा जितनी भी आइजोमरिजम्स की हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स एंड सेम केमिकल बोंड्स उनके बोंड्स भी सेम टाइप के ही बने हुए हैं मतलब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट दे आर ओनली डिफर इन बट डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ये हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम अराउंड सेंट्रल एटम तो इसका मतलब क्या है पहले वो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारा सेम रहेगा सिर्फ क्या चेंज होगा स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगा ठीक है स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ उनका रिलेटिव पोजिशंस चेंज होती रहेंगी ठीक है जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं कि एक बार ए ए बी बी ऐसे जुड़े हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ठीक है और दूसरी बार क्या हो गया दूसरी बार क्या हुआ कि ये जो ए तो यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बी है ठीक है और यहाँ पर बी पहुँच गया और यहाँ पर ए पहुँच गया अब इन दोनों अरेंजमेंट्स में डिफरेंट क्या हुआ है कि यहाँ पर ए और ए साथ साथ थे यहां पर ए और ए एपोजिट हो गए और बी और बी भी ओपोजिट हो गए बट उनका जो यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ वही चार्स हैं वो जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइजोमरिज्म स्पेशल अरेंजमेंट मतलब जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट होगा वही यहाँ पर चेंज होगा तो इसकी सबसे पहली हमारे पास बनती है टाइप दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज्म ठीक है ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइजोमरीज्म हमें हेट्रोलेक्प्टिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है जिसमें के मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स यूज हुए होते हैं एंड दिस अराइज़ेस व्हेन लिगेंड्स ओक्युपाई डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है लिगेंड्स कैन ऑक्युपाई डिफरेंट पोजीशंस, उससे ये जो है वो यहाँ पर अराइज होती है ठीक है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो यहां पर याद रखने वाला कि अगर टू सेम लिगेंड्स टू सेम लिगेंड्स आर आर एडजेसेंट अगर वो दोनों साथ साथ हों एडजेसेंट हों देन इसका हम नेम लिखते हैं देन इट बिकम्स द सिस फॉर्म फिर कौन सी फॉर्म बनती है वो सिस फॉर्म बन जाती है अगर टू लिगेंड्स आर ये एडजेसेंट हुए साथ साथ हुए अगर वो दोनों ओपोजिट हो गए अगर वो दोनों ओपोजिट हो गए देन इट कॉल्ड द ठीक है दो डिफरेंट फॉर्म्स है यहां पर सिस एंड द ट्रांस अगर हम यहां पर देखें दो सेम है जो वो दोनों साथ साथ हैं सो दिस इज फॉर्म एंड जो यहां पर ओपोजिट हो गए सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म ठीक है तो अब हम जो हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल्स होती हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और सिक्स के लिए इन दोनों के लिए हम यहाँ पर अच्छे से एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अगर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फोर तो ज्योमेट्री हमारी दो टाइप की हो सकती है आइदर इट इज ए टेट्राहेड्रल और आइदर इट इज़ ए स्क्वेयर प्लेनर ठीक है ये दो ऑप्शन बनते हैं कि टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वेयर प्लेनर है टेट्राहेड्रल में ज्यूमेट्रिकल आइजोमरिज्म नहीं शो होती ठीक है सो नो so, ज्यूमेट्रिकल no आइजोमरिज्म क्योंकि सभी फोर पोजीशन जो होती हैं टेट्राहेड्रल में वो सभी इक्विवेलेंट होती हैं ठीक है बिकॉज ऑल ऑल द पोजीशंस आर ऑल पोजीशंस आर एडजेसेंट टू वन अनदर All positions are adjacent to one another. ये आपके लिए रीजन हो गया ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल आइजोमिज्मिक पोजिशन आर एडज टू वन अनादर जैसे यहां पर था कि साथ साथ हैं या फिर ऑपोजिट है बट अगर यही होता हमारे पास टेट्राहेड्रल अरेजमेंट तो ये सभी चारों की चारों पोजिशंस एक एक दूसरे के एडजेसेंट है मतलब ये जो ए है ये वाला इसके साथ भी है ये वाला इसके साथ भी है और ये ए इसके साथ भी है ये सभी के साथ एडजेसेंट बन जाता है सो इसलिए टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं बनती तो हमें बेसिकली स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल्स को ही एक्सप्लेन करना है वो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली होगी जब हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हमने यहां पर यूज किया है फोर तो उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज एम एक्स टू एल टू टाइप एम एक्स टू एल टू टाइप वेयर एक्स एंड एल आर बोथ यूनिडेंडेंट लाइकेंट्स एक्स एंड एल यूनिडेंडेंट लाइकेंट्स हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दो एक्स हैं या फिर जो यो जो दो यहाँ पर एल हैं अगर वो दोनों एडजेसेंट गए तो ये बन जाएगी सिस फॉर्म अगर वो दोनों ओपोजिट गए तो ये बन जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म तो इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ तो आपको ये जर्नल फॉर्म्स याद रखनी है और इसमें से हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं दो हैं एन एच टू अमोनिया और दो ही है क्लोरीन। तो इसकी स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या क्या बन सकती हैं प्लेटिनम रखेंगे बीच में एक बार दोनों अमोनिया को साथ साथ रख दें या फिर दोनों क्लोरीन को साथ साथ रख दें ठीक है एंड दूसरे में इनको ओपोजिट कर देंगे ठीक है जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था सो दीज आर द टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड दिस इज द द्रांस आइजोमर एंड दिस इज द सिस आइजोमर तो जब इनका आई यू पी ए सी नेम लिखा जाता है तो उसके आगे भी हम सिस और ट्रांस वर्ड यूज़ कर लेते हैं जैसे इसका नेम क्या होगा डाई डाइक्लोराइडो दाइ, प्लेटिनम टू इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके आगे हम ये जरूर साथ में मेंशन हो सकता है कि उसकी सिस फॉर्म है या फिर उसकी ट्रांस फॉर्म है ठीक है तो इसी में हमारी दूसरी टाइप बनती है कि अगर ऐसी फॉर्म हो एम एक्स वाई ये दोनों अलग अलग हैं और दो सेम है एल टू ठीक है तो मतलब अगर फोर है कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें एटलीस्ट टू लिगेंट्स सेम चाहिए तो ही हम बना सकते हैं को तो इसकी एग्जांपल है प्लेटिनम के साथ जुड़ा है एक सी एल दो जुड़े हैं पिरीडिन सी फाइव एच फाइव एन और साथ में एक है एन एच थ्री दैट इज द अमोनी ठीक है तो इसमें भी हमें सिमिलरली ड्रॉ कर कर देखना है ये है प्लेटिनम तो एक साइड पर हम देते हैं यहां पर पी वाई इसको हम बोलते हैं पी वाई दैट इज दिडिनियम दैट इज दिडिन ठीक है और ये भी बन गया पी वाई और एक साइड पर हम यहां पर रखेंगे एन एच थ्री और यहां पर हम रखेंगे क्लोरिन ठीक है अगर इस पर कोई भी चार्ज होगा तो वो यहाँ पर ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, इस बार हम क्या करेंगे ये जो दोनों सेम है इन दोनों को ओपोजिट करेंगे ठीक है बाकी की पोजीशंस चाहे आप जो रख दें मतलब एनएच थ्री को चाहे हम इधर लिखें चाहे हम इधर लिखें वो दोनों पोजिशन इक्वलेंट रहेंगी तो ये दोनों बनेगी ऑपोजिट है तो ऐसे हमारी ये दो टाइप्स हो गई हैं अब इसमें ही हमारे पास है थर्ड पार्ट तो थर्ड में क्या होगा थर्ड में हमारे चार के चार ही डिफरेंट होंगे अगर चारों ही यहां पर अलग हों या फिर एटलीस्ट दो सेम होगे तो बन जाएगी सिस और ट्रांस ठीक है तो अगर यहां पर चार के चार सेम हुए तो क्या होगा तो ये बनेगा एम तो हम ए की पोजीशन को यहाँ पर रख लेंगे फिक्स उसके ऑपोजिट एक बार हम रखेंगे बी ठीक है ए की पोजीशन है फिक्स एक बार उसके ओपोजिट सी ए की पोजीशन है फिक्स एक बार उसके ऑपोजिट हम रखेंगे डी अब बाकी के दोनों को आप किसी भी तरह से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ठीक है बी डी सिर्फ ए और सी ए के ओपोजिट की पोजीशन, मतलब आप किसी भी एक पोजीशन को यहां पर रख सकते हैं फिक्स और बाकी को आप ऐसे ही चेंज करते जाएं। तो ये हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बन जाते हैं इनके कोई स्पेसिफिक नेम्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है जस्ट आपको इनको ड्रॉ कर, कर देखना है इसकी एक एग्जाम्पल आप लोगों को खुद बनानी है दैट इज अ प्लेटिनम के साथ जुड़ा है एनओ टू फिर है पी वाई फिर है एन एच टू ओ एच और फिर है एन एच थ्री ये चारों के चारों अलग हैं इनकी आप लोगों को यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये सभी बनाकर देखने हैं और एक बात यहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कंप्लेक्स ऐसा आ जाता है एम ए थ्री एक्स तो इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो होगी ठीक है क्यों नहीं शो होती क्योंकि यहाँ पर ओनली वन है और ये तीनों के तीनों सेम है ठीक है तो हमारे पास जो टाइप्स बनती हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइजोमरिजम शो होती है एक तो एम ए टू जो हमने एल टू वाली टाइप की थी या फिर दो वो डिफरेंट और ये दोनों सेम हो या फिर जो हमने अभी की है ए बी सी टी टाइप ठीक है तो इन सभी में हमारे ज्योमेट्रिकल आइजोमर्स बन जाते हैं इनमें से कोई एक आपकी टाइप होनी चाहिए अब अगर इसके साथ जुड़ा हो बाइड एंड एंड लाइगेंट ठीक है तो बाइड एंड लाइगेंट को मैं ऐसे शो करूंगा ठीक है ए बी क्योंकि उसने ए और बी के साथ दो बॉन्ड्स बनाने हैं तो वो टू लगे हैं टोटल चार हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में अगर हम यहाँ पर ई e एन जैसा कोई बाइड एंड लाइगेंट यूज़ करते हैं इथेन वन टू डाइमाइन अगर वो ही दो जुड़े हैं तो उसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइजोमरिजम बिल्कुल नहीं शो होगी क्योंकि वो सभी सेम वहाँ पर एटम्स होते हैं इसलिए यहाँ पर दोनों एटम्स हमारे हैं डिफरेंट जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाई ए बी जो होगा उसकी जगह पर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसोनाइट ग्लाइसोनाइट का फॉर्मूला क्या था एन एच टू सी एच टू और सी ओ ओ वन नेगेटिव ठीक है हम इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं हमारे ग्लाई ठीक है तो चार्जेज इनके बैलेंस हो जाएंगे प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तो इसको आपको ऐसे बनाना है तो इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा तो इसके ये फोर हो गए बोन ठीक है अब देखिए ग्लाई में एक बोन बनाएगा एन और दूसरा बनाएगा ऑक्सीजन तो यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर एन कर देते हैं और एन के साथ जुड़े होते हैं हाइड्रोजन टू ठीक है two, अब ये ऑक्सीजन बनाया अब इसके साथ क्या है सीओ इसके साथ ये जुड़ गया सीओ और यहां पर है हमारा सी एच डू ठीक है इसको आपने ध्यान से ड्रॉ करना है अब यहां पर या तो आप लोग ऐसे ही ऑक्सीजन यहां पर रखते हैं तो ये बन जाएगी आपकी सिस फॉर्म अगर आप उसे ऑपोजिट रखते हैं तो ये बन जाएगी आपकी ट्रांस फॉर्म ठीक है सो दिस इज द सिस फॉर्म सो ये आपकी बन जाएगी सिस फॉर्म तो यहां पर आप इसे डॉटेड शो कर सकते हैं ताकि ये स्क्वायर प्लेनर रिप्रेजेंट हो जाए इसी के ऑपोजिट अगर हम यहां पर बनाते हैं तो इसको सेम बनाते हैं NH2, टू ठीक है सी एच टू सी डबल बोंड ओ और यहां पर है ऑक्सीजन यहां पर अब मैं NH2 टू कर देता हूं ओपोजिट कर देंगे सो दिस इज द सी एच टू सी डबल बोंड ओ एंड ऑक्सीजन ठीक है तो ऐसे आपकी ये दोनों फॉर्म्स बन जाती हैं सिस और द ट्रांस सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ठीक है एम ए बी टू टाइप ठीक है तो इसमें भी आपकी ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज्म शो हो जाती है तो ये तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ ठीक है तो अगर हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसमें एक ही केस होता है तो ओक्टा ज्योमेट्री इस केस में बनती है तो ओक्टा ज्योमेट्री के केस में अब हमारी सबसे पहली यहाँ पर होगी फॉर्म दैट इज द एम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम विद ए फोर एंड एक्स टू ठीक है मतलब यहाँ पर क्या होगा कि दो ले एगेंस यहाँ पर एक जैसे हैं और चार अलग यहाँ पर एक जैसे हैं इसकी एग्जाम्पल करते हैं दैट इज द कोबाल्ट सी एल टू अमोनिया फोर जुड़े हैं कोई भी एग्जाम्पल आप इस जनरल फॉर्मूला से बना सकते हैं तो देखिए जब हम इनकी एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं तो आप लोगों को जर्नल फॉर्मुला याद रख लेना है उससे आपका ईजली हो जाएगा अब यहाँ पर हमें बनानी है सिक्स पोजिशंस तो ध्यान रखिएगा सिक्स पोजिशंस यहाँ पर कैसे बनानी है चार हम यहाँ पर बनाते हैं और एक और दो ऊपर नीचे बना देते हैं ठीक है अब हमारे ये दोनों सेम है सी तो एक बार मैं इसको इस प्लेन में और एक सी को यहाँ पर रख लेता हूँ ठीक है थीके? ओके तो अब अगर ये दोनों ऐसे होंगे तो हेड्रल में भी सभी सिक्स पोजिशन इक्विपलेंट होती है तो आप इन दोनों को यहां पर भी रख सकते हैं ठीक है और बाकी के सभी अमोनिया हम यहां पर रख लेते हैं ठीक है बाकी की बची चार पोजीशंस पर तो ये जो हमारा होगा स्ट्रक्चर तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपका ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंट होता लगे तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर दोनों एडजेस्टेंट हैं सो दिस इज ठीक है so अगर हम यहां पर देखें दूसरी फॉर्म इसकी क्या बनेगी कि ये जो दोनों सेम थे सीएल और सीएल हम इनको रख सकते हैं तो ये दोनों ओपोजिट चले गए तो बाकी के अमोनिया यहां पर आ जाएंगे ठीक है तो जो दो सेम हैं उनको रखना है अमोनिया को हमें बिल्कुल नहीं देखना सो दिस बिकम्स द ठीक है तो ये दोनों इसकी फॉर्म्स बनती हैं सबसे पहली टाइप है एम ए फोर एक्स टू इसी में हमारी दूसरी टाइप है दैट इज द एम ए थ्री अब जब तीन तीन सेम हो जाए ए थ्री बी थ्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला केस है इसमें दो अलग आइसोमर्स बनते हैं जो हमने अभी तक नहीं एक्सप्लेन किए हैं ध्यान से आप लोगों को इसे इसे यहां पर अंडरस्टैंड करना है तो ये मैंने बना ली है सिक्स सिक्स पोजीशंस इनकी ठीक है अब देखिए एक बार हमें क्या करना है जो ए है सभी उनको मैं ऐसे रख देता हूं यहां पर और बी को सभी को ऐसे रख देता हूँ ठीक है और इस बार में हम क्या करते हैं ए को यहां पर रखते हैं ठीक है पहले आप इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करें यह था हमारा यहां पर स्क्वायर प्लेनर शेप और इस फेस पर ये सभी बन चुके हैं तीन ठीक है तो एक फेस पर ओक्टाहेड्रल के एक फेस पर ये सभी आ रहे हैं अगर हम इसे शेड करें यहाँ से तो ये यहाँ से बनेगा रीजन ठीक है तो ये सभी ओक्टा के एक फेस पर आ रहे हैं तीन के तीन आइजोम तीन के तीन लेगेंट्स अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ये भी सभी एक ही फेस पर आ रहे हैं ओक्टा हेड्रल के ठीक है ना तो दोनों साइड पर ये जो हमारे तीन तीन लेगेंट्स होंगे वो दोनों एक फेस पर बन रहे हैं ओक्टा हेड्रल का ऐसे एक फेस होता है उस पर ये सभी आ रहे हैं सो दिस इज कॉल्ड द फेस आइजोम सो दिस इज द फेस आइजोम ठीक है इसको हम बोलते हैं फेशियल आइजोमर और या फिर फेस आइजोम ठीक है अब दूसरी जो है स्ट्रक्चर इसमें क्या हो रहा है ये सभी एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो यहाँ से ये सभी सेम प्लेन में आ रहे हैं ठीक है यहाँ से एक जो प्लेन बन रहा है उसमें आ रहे हैं और ये जो यहाँ पर होंगे ये सभी एक अलग यहाँ पर प्लेन में आएंगे ये जो बी टाइप होगी बी टाइप का प्लेन इस अकॉर्डिंग बन जाएगा ठीक है बी का प्लेन ऐसा है और ए का प्लेन ऐसे है तो ये दोनों सेम सेम प्लेन पर आ रहे हैं ये इसका नाम बनता है हमारे पास मर आइजोमर ठीक है इसकी फुल फॉर्म होगी मैरी डियोनल मैरी डियोनल आइजोमर या फिर मर आइजोम इसकी एग्जांपल आप इजीली देख सकते हैं सिर्फ आपको क्या देखना है तीन ए और तीन बी मतलब तीन सेम हो और तीन अलग से सेम हो टोटल हमारे पास ओवरऑल दो टाइप के ही तो आप ये फॉर्म्स बना सकते हैं इसमें अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें जुड़े होंगे बाई डेंडेंट ले ठीक है तो बाई डेंडेंट के अंदर हमारी सबसे पहली टाइप है ए ए यहां पर जुड़ा है हमारे पास बाई डेंडेंट लाइक ठीक है तो बाई डेंडेंट जो यहां पर जुड़ा है वो है हमारा ए मतलब दोनों एटम्स उसके सेम रहेंगे और ये जो दोनों x सेम हैं तो हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे x को एडजेसेंट रख देंगे और x को ही ऑपोजिट रख देंगे तो हमारे आईजूमर्स बन जाएंगे इसकी एग्जाम्पल हम ये यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कोबाल्ट के साथ ई एन दैट इज़ इथलिन डाइमाइन है तो इसके दोनों आइजूमर्स बनाते हैं ये रहा हमारा कोबाल्ट ये वाले चार पॉन फिर एक ऊपर और ऐसे इसका दूसरा आइजूमर बनाएंगे उसके लिए भी अभी ही ड्रो कर, कर रख लेते हैं अब इनको प्लेस करते हैं सी एल को एडजेसेंट रखना है तो यहाँ पर रख देते हैं ऊपर बनेगा चार्ज वो भी हो गया अब हमें सिर्फ ई e एन की पोजिशन देखनी है ठीक है एक ई e एन हम यहाँ पर रखते हैं क्योंकि इसने बनाने हैं दो ये बना लिए और एक ई e एन इन दोनों के बीच रखते हैं ठीक है अब ऐसे ही यहाँ पर हमें सी एल को ओपोजिट रखना है तो दोनों क्लोरिन मैंने ऑपोजिट रख दिए और एक ई e एन यहाँ पर और एक ई e एन यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत बार एग्जाम में ये एग्जाम्पल आपको पूछी जाती है ठीक है तो इसमें ये कौन सी फॉर्म बनेगी सिस और ये कौन सी फॉर्म बनेगी ट्रांस तो इसका ध्यान रखना है आपको कि सी एल एडजेसेंट होंगे तो ये बनेगी सिस सी एल ऑपोजिट होंगे तो ये बनेगी ट्रांस अब इसमें अगर हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल लें कि जिसमें एम ए ए ही जुड़े हों थ्री सिक्स बोन हो यानी कि कोबाल्ट ई एन ही जुड़े हों हमारे ए थ्री कुछ ऐसी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ठीक है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो होगी क्योंकि सभी पोजीशंस पर एक जैसे एटम्स जुड़े हैं सभी की पोजीशन पर तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं बनने वाली अगर यहाँ पर जो हमारा एगेंट है वो बाइडेंडेंट हो और दोनों एटम्स अलग हो जैसे हमने की थी ग्लाई वाली एग्जाम्पल अगर वो जुड़ा होगा तो यहाँ पर बन सकते हैं अगर ये होगा ठीक है क्रोमियम गलाई के साथ होगा तो इसमें आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज्म यहां पर हो सकती है तो इसकी स्ट्रक्चर आपको खुद बनाकर देखनी है ना? ये सेम जैसे हमने अभी किया था फेस आइजोमर और मर आइजोमर वैसे ही आपको इसके दोनों आइजोमर्स बनाने हैं बट उनके नेम्स हम यूज करते हैं ट्रांस ठीक है तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ से कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइजोमरीजम तो हमने इसमें तो ओवरऑल यहाँ पर क्या देखा है कि जो फॉर्म्स में हमारे जोमेट्रिकल आइजोमरिज़म बिल्कुल नहीं शो होती वो आपको स्पेशली याद रखनी है और ओक्टाहाड्रल में कुछ और ऐसी फॉर्म्स हैं जैसे कि एम ए सिक्स सभी सेम जुड़े हों तो भी नहीं शो होगी एम ए फाइव बी तो भी नहीं शो होगी और एम ए टू इसमें भी नहीं शो होगी तो इन सभी में हमारी ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज़म कोऑर्डिनेशन का नंबर अगर हो सिक्स तो बिल्कुल नहीं शो होगी ठीक है तो ये था आपके लिए कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइजोमरिज्म इसके बाद हमारी होगी ऑप्टिकल आइजोमरिज्म